नमस्कार दर्शक बंधु, आज मुझे पटल बेसर देखी गोटे बहुत ही टेस्टी रेसीपी या देखी तो से मुठार 300 ग्राम पटल नहीं प्रथम पानी में भल भाव धोईदे आटा आरंभ करी। प्रथम यार दुईपट को काटिदे मझीर ताक चीरा लगे। देखु यहीपर भाव पटल को काटा जमीती पछपट कि भी काटिहबन खाली मझीर यहीपर अल्प चीरा लगे जहाद्वारा कि या भर को लुण भल भाव भेदी पार। तो यहीपर भाव बाकी सब कुछ भी काटिद। सबू काटि सारापर मुठारे गैस ऑन करी कड़ी रे किछि सरिष तेल पकाउचे। आउ तेल जेते बेले गरम ही आसीबो एही पटल सबू को सेथिरे देखी ताकु टिके समय भाजीबा। एबे मु एथिरे अल्प लुण आउ टिके हळदी गुंड पके एटा सिझिला पर्यंत गैस को लो फ्लेम रे रखी याको रांधिबे। किसी समय एबे याको कभर करके रखिबी आउ ता भितरे मु एठारे गोटे मसला बटा तैयारी करी। तो से कौन कौन सब दरकार ताहासंतु जानिनबा। प्रथमे मु नेछि 1 चमच सरिष, 1/3 चमच पान महुरी, पोस्त 1/2 चमच, जीरा 1/2 चमच, किछि रसुण आउ एही परि साइज रो खंडे अदा नबा। तो देखिले यही सब सामग्री मसला बटा पई दरकार ताहले एसबु को एबे मु बाटी दे मसला बटा तैयारी करी। देखंतु वर्तमान आमर मसला बटा तैयारी होगला। तो मुझे पकेबी 2 चमच दही। दही जदि पकेबा चाहूना ताहले याकु स्किप करी पारिबे आउ या बदल आंबूल पकई पारिबे। मुठारे जेहेतु आंबूल पकेनी सेथिपई दही पकेली काहेकी ना दही पकेले बेसर रे गोटे बहुत बढ़िया टेस्ट आसी थाए। तो थरे याकु ट्राई करके देखंतु। किछि समय पर मु यार ढांकुणी काढ़ी दे याकु टिके घांटी देबी। जमीती कि आपण मैंने देखिपे पटल सब भाजी पूरा सिझि आसलानी ताहले एसबु को एबे मु गोटे प्लेट को काढ़ी देबी। आउ प्लेट को काढ़ी सारापर बड़का होता यह तेल रही सरिष तेल पकाउची। तेल पूरा गरम ही आसलानी ताहले पंचफुटन पकई ताकु किछि समय फुटिबा छाड़ी। फुटण फुटी आसिले बासना मुझे अल्प हिंगु पकाउची, गोटे कटा होता प्याज आउ गोटे सुखिला लंका पकईकी प्याज को किसी समय भाजबे। प्याज को बेसी समय भाजबानी ताकु 2 मिनिट पर्यंत भाजीदे मुझे पकईबी किसी भृसंग पत्र। बेसर से जदि हिंगु आउ भृसंग पत्र बनईबे ताहले सेथिरे बहुत बढ़िया बासना आसी थाए। भाजी ही आसलानी तो एबे टमाटो प्यूरी पकेबा। मुठारे गोटे बड़ साइज टमाटो नहीं तार प्यूरी बनई। टमाटो रे जो पानी अंश रही थाए सेटा सुखिला पर्यंत मुया को भाजीबे। आउ जेते बले एही परि भाजी ही आसीबो सेते बले मुथिरे सब मसला गुंड पकेबा आरंभ करीबे। एथिरे बेसी किछि मसला गुंड पड़िबनी खाली 1/2 चमच लंका गुंड जहाँ को आपण माने निजो टेस्ट अनुसार कम बेसी करि पारिबे। 1/3 चमच हळदी गुंड आउ शेष स्वाद अनुसार लुण पकई याकु मिसे दबा। टिके समय पर मुझे जो मसला बटा तैयारी करी थी ताकु एथिरे देबी। दही को जदि अलग पकई थांते ताहले ताहा छिड़ी जाई थांता तो सेथि पई मु ताकु मसला बटा रे ही मिसे देथिली। एबे याकु बेसी समय कसिबानी मिसे सरिला पर ही मु एथिरे पकईबी भजा होइतिबा पटल। भल भाव या मसला सहित मिसेद मिसेद मसला बटार जो पानी थिला से सब को एदेदी अधा कप पा पकई घाटी सारापर ग्रेवी पानी एड करी। प्रथमे अधा कप पा पकई एबे एथिरे ग्रेवी पाई आउ गोटे कप पानी पकाउची। तो टोटल 1.5 कप पानी एड करी। बेसर रे ग्रेवी को बेसी पानिया करिबानी टिके बहळिया रखिकी तैयारी करिले खाइबा को भल लागी थाए। वर्तमान याकु मु भल भाबरे फुटिबा पर्यंत कभर करिकी रखिबे। एबे एटा फुटी आसलानी ताहले यार ढांकुणी काढ़ी दे टिके घांटी दबा।
ପୋଟଳରେ ତ ଭଜା ତରକାରୀ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିବେ। ଥରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବେସର ଦେଇକି ୟାକୁ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଚଟପଟା ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର ଗ୍ରେଭି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି, ଆଉ ୟାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସର ଦିଆ ଏହି ପୋଟଳର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇ ୟା ଉପରେ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଆସନ୍ତୁ ୟାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା। ଭାତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଥରେ ୟାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାନା ଗରମା ଗରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ହିଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତିଆରି କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସବୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।